हेलो स्टूडेंट्स, अभी कम ही बच्चे आए हैं, जल्दी जल्दी जाने को बच्चों। हेलो बेटा, बेटा हम लोग अब शुरू कर रहे हैं ये हाँ बेटा, सभी अपीयर है अभी क्लास में। मानस, दिव्यांशी, श्रेया, अबुजार प्रेजेंट सर। तो बेटा हम लोग शुरू करते हैं आगे के लिए। अभी हम लोग सिंपल पार्टी के क्वेश्चंस कर रहे थे, जिसमें सिंपल सिलेक्शन और आपका फॉर्मूला है वो फेवरेबल अकाउंट टोटल पार्टी से लिंक्ड है। लेकिन इसमें कई बार हमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिल जाते हैं, और भी कुछ क्वेश्चंस में पहले इस पर ट्राई करते हैं। जैसे क्वेश्चन बेटा आप लोग लिखिए, एक सेट लिख लो, जैसे एक सेट है और उसमें लेट वी हैव 1 2 3 4 अप टू 3 n एलिमेंट्स। यहाँ n एक नेचुरल नंबर है, तो आप समझ रहे होंगे कि ये 1 से लेके और मल्टीपल ऑफ 3 पर एंड होता है। मतलब हो सकता है 1 से लेके 3 पे हो जाए, या 6 पे हो जाए, 9 पे हो जाए, इस तरह से। और हमसे कहा गया कि लेट 3 numbers are selected from the set, find the quality that some of these numbers be divided by 3. The question bahut clear hai, एक सेट है जिसमें 1 से लेकर 3 n तक एलिमेंट्स है, n नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है, 3 नंबर सिलेक्टेड किए हैं, सिलेक्ट किए हैं मेरा मतलब है फ्रॉम द सेट, फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑफ दीज नंबर्स बी डिवाइडेड बाय 3। बेटा एक 9th क्लास में शायद इंट्रोड्यूस हो जाता है या 10th में, कि यदि हम कंसेक्यूटिव लेट वी टेक सम ऑफ r कंसेक्यूटिव नंबर्स देन दिस इज ऑलवेज डिवाइडेड बाय r। ये बात तो बहुत क्लियर है और ये कहीं ना कहीं नंबर थ्योरी में आई जाती है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि इफ आर कंजुगेटिव नंबर्स आर एडेड देन रिजल्ट इज ऑलवेज डिवाइडेड बाय आर। तो ऐसे ही मैं यहाँ पर जो समझ पा रहा हूँ वो ये है कि भाई 3 नंबर जो आपने सेलेक्ट किए हैं टोटल, पहले एन एस कितना है, यदि हम सॉल्यूशन की बात करें तो एन एस एन ऑफ एस मेरा मतलब है जो सिंपल स्पेस होगा उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, उसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, इट शुड बी 3 एंड सी 3।
ना भाई, 3n टोटल नंबर है और उसमें से मुझे 3n लेने, 3 लेने तो 3nc3 हो जाएगा। अच्छा इसमें आप वो कह रहे हैं, लेकिन अब फेवरेबल की जो बात आती है, जो इवेंट है, मान लो मैं उसे डिस्क्राइब करूँ तो क्या है कि सम ऑफ थ्री नंबर्स सिलेक्टेड रैंडमली इज डिविजिबल बाय थ्री, सम ऑफ थ्री नंबर सिलेक्टेड रैंडमली इज डिविजिबल बाय थ्री। ठीक है, तो पहले तो मुझे देखना पड़ेगा कि भाई कौन से थ्री नंबर्स, जैसे आप देख रहे होंगे कि भाई यदि वो नंबर्स इंडिविजुअली 3, 6 या 9 में से होंगे तो होंगे ही होंगे, लेकिन बेटा आप ये भी देखो जरा, जैसे 2, 3, 4 या 3, 4, 5, अब लेकिन ऐसे रैंडम काउंट नहीं कर पाएंगे हम लोग। तो अपने 3n नंबर्स हैं तो वो 3 के मल्टीपल में ही होंगे, तो हम ना 1, 2 और 3 से स्टार्ट होने वाली 3 रोज बना लेते हैं, क्योंकि डिस्टिंक्ट यहाँ से आना शुरू होगा, मतलब 1, 4, 7 3 के डिफरेंस में, यहाँ 2, 5, 8 और यहाँ 3, 6, 9। मैं समझता हूँ ऑल ऑफ द नंबर्स आर कवर्ड, तो ये 3n पर एंड होगा, ये 3n माइनस पर एंड होगा और 3n माइनस 2 पर एंड, क्योंकि जो नंबर 3 के डिफरेंस पर होते हैं उनका भी सम जो होता है वो भी आपका 3 से डिविजिबल होता है। आप देखो जरा, जैसे 3, 6, 9 था, यदि मैं तीनों में से एक एक सब्ट्रैक्ट कर दूं और फिर उनका सम करूं तो भी तो 3 से मल्टीपल होगा बेटा। Yes. भाई 3, 6 और 9 का तो है ही है भाई ना, 18 हो गया 18 का, लेकिन जब मैं एक एक तीनों में से कम करूंगा तो 15 आएगा और एक एक कम करूंगा तो वो 12 आएगा। तो मिला के ये है कि जो मैंने फर्स्ट रो बनाई है इसमें n एलिमेंट है, इसमें भी n एलिमेंट है, इसमें भी n एलिमेंट है, मैं इन n में से कोई भी 3 एलिमेंट चूज कर लूं, या इन n में से कोई भी 3 एलिमेंट चूज कर लूं, या इन n में से कोई भी 3 एलिमेंट चूज कर लूं, तो मैं समझता हूँ वो 3 से डिविजिबल होने चाहिए। मेरे पास 3 केसेस होंगे तो मैं 3 × nc3 कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने 3 × क्यों किया, एक्चुअली यहाँ nc3 आया होगा फर्स्ट रो से, लेकिन मैं या तो इससे लूंगा या इससे लूंगा या इससे लूंगा, मैं सबसे एक साथ नहीं ले सकता है ना, मतलब सिमल्टेनियस नहीं कर सकता इसका, आपको या तो इस रो से लिया होगा, तो आपने pnc पढ़ा हुआ है, तो उसमें यदि हम लोग इंडिपेंडेंट वर्क्स को ऐड करते हैं, मतलब लेते हैं, तो वो एडिशन के साथ आते हैं, मतलब जब उनमें से कोई एक वर्क अपीयर होता है ना, कोई एक टास्क हम लोग कर सकते हैं, और जब सबको कर सकते हैं तो मल्टीप्लाई होता है। जैसे ये तो हो गया रो वाइज, लेकिन मुझे एक बात और दिखी, यदि मैं कॉलम ले लूँ तो भी बेटा, तो भी आप देखिए जरा, क्योंकि ये सब स्ट्रक्चर अब कैसा बन गया, 3, 3, 3 सब 3 के डिफरेंस पर है, तो ये भी होगा। लेकिन मैंने एक बात और समझी, मतलब मैं ये नहीं है कि मैं एक ही कॉलम लूँ, मैं यदि इस रो में से ये ले लूँ, इस कॉलम में से ये ले लूँ, इस कॉलम में से ये ले लूँ और इस कॉलम में से ये ले लूँ, ओह सॉरी सॉरी, मैं इस कॉलम में से ये ले लूँ, अगर हम कोई सा भी कॉलम ले लें तो ये तो भाई बहुत अलग बात हुई। इसका मतलब ये है कि मैं इसमें से कोई एक एलिमेंट लूँ, इसमें से भी कोई एक एलिमेंट लूँ और इसमें से भी, क्योंकि ये सब ऑटोमेटिकली सब 3 के डिफरेंस पर हो गए, तो वो भी भाई उनका सम भी 3 से डिविजिबल होगा। जैसे मैं आपको दिखाऊं, 7, 5 और 6, 7, 5 और 6 देख लीजिए, 7, 5 और 3 देख लीजिए, 1, 2 और 6 देख लीजिए, 1, 2 और 9 देख लीजिए, तो कहीं ना कहीं ये भी आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि मैं एक एलिमेंट भी चूज कर सकता हूँ यहाँ से, फिर रो वाइज ही कर लीजिए, मतलब जैसे फर्स्ट रो से मैंने एक एलिमेंट ले लिया, दूसरे रो से भी ले लिया और तीसरे रो से भी एक एलिमेंट ले लिया, अब मैं इनकी मल्टीप्लाई करूँगा, एडिशन करूँगा, मल्टीप्लाई करूँगा बेटा, क्योंकि मुझे सिमल्टेनियस चाहिए, मतलब एट द टाइम व्हेन आई वाज सिलेक्टिंग वन एलिमेंट फ्रॉम फर्स्ट रो, सिमिलर टाइम सिमिलरली आई एम सिलेक्टिंग सेकेंड एलिमेंट फ्रॉम सेकेंड रो and third from third row. So I'm doing these all three works simultaneously. That's why they should be taken with multiplication. So ये
मेरे पास आई थिंक और कोई हो सकता है बेटा, और तो शायद नहीं होगा। यदि हम पहली रो में से तीन ले लें तो, या फिर एक रो में से एक ले लें तो ही हमारे पास शायद मांगे ही होगा, और नहीं बन सकता है। प्लस एन क्यू, इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि एन सी वन का तो एन होगा, तो प्रॉबलिटी अब हमारे पास सिंपल आ चुकी है, ये आ जाएगी 3 इंटू एन सी 3 एंड प्लस एन क्यू एंड डिवाइडेड बाय 3 है सी 3। इस तरह से बेटा ये क्वेश्चन, ये प्रॉबलिटी आप लिखिए। अच्छा क्वेश्चन है, इसमें कॉम्बिनेटिक्स भी हमें समझ में आई। यदि मान लो प्रॉबलिटी ना पूछते तो नंबर ऑफ वेज पूछ सकते थे, तो वो भी पीएनसी में भी काम आ सकता है क्वेश्चन। सबको क्लियर है बेटा ये क्वेश्चन? कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बताएंगे बेटा। नेक्स्ट में मूव करें बेटा हम लोग। सही क्वेश्चन एक और बता दीजिए। बिल्कुल, क्वेश्चन सबसे पहले हमें क्वेश्चन वापस समझना होगा। हमारे पास जो अवेलेबल नंबर्स हैं वो 1 से लेके 3 तक है, और एन एक नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है, तो ये काउंटिंग 1 से 3 होगी या फिर 1 से 6 होगी, 1 से 9, कुछ भी हो सकती है, एन पर डिपेंड है। क्वेश्चन क्या कहते हैं फिर वो? Select three numbers are selected from the set. Find the probability that some of these numbers be divided by, be divisible by, यहाँ लिखना चाहिए था, by three. यहाँ लिख लेना divisible by. ठीक है, तो हमें तीन नंबर सेट करने थे, लेकिन एक स्ट्रक्चर हमें देखना होता है, हमें मतलब अपने आप से क्या चीज आती है थ्री से डिविजिबिलिटी के लिए। यदि थ्री नंबर कॉन्जिक्यूटिव है, जैसे मैं चाहे कोई से भी ले लूँ, मैं आपसे कहूँ 11, 12 और 13, तो हाँ बिल्कुल होंगे ये नंबर 3 से डिविजिबल होंगे, क्योंकि ये तीनों कॉन्सिक्यूटिव हैं। आप देख ही सकते हैं 12 प्लस 24 12 कॉमन आ जाएगा, आई मीन हमेशा। यदि हम चार नंबर कॉन्सिक्यूटिव लेंगे तो वो 4 से डिविजिबल होंगे। यदि हम 4 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स की मल्टीप्लीकेशन लेते हैं तो 4 फैक्टोरियल से डिविजिबल होगा। ये दोनों प्रिंसिपल आपको अच्छे से आने चाहिए। मैं फिर बोल दूँ कि इफ एन कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स आर एडेड देन दिस एडिशन इज ऑलवेज डिविजिबल बाय एन। If n consecutive numbers are multiplied, then their multiplication is always divisible by n factorial. ये दो आपको कंडीशन याद रखनी होगी। लेकिन उन्होंने सम कहा है सम, तो हम सम के लिए एक तो तीन consecutive numbers लेना चाहेंगे, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ा मतलब भारी हो रही है हमारे पास, 1, 2, 3 या 2, 3, 4, तो ये ऐसे मैनुअली कैलकुलेट करना थोड़ा मुश्किल पड़ जाएगा। फिर दूसरा एक प्रॉब्लम और आ रही थी, यदि हम लीप भी कर ले, मान लो मैं जैसे मैंने एक सेट लिया 1, 2, 3 2, 3, 4, तो अभी ऐसा भी हो सकता है कि हम 1, 3 और 5 ले लें, 2, 2 के गैप पर ले लें और कॉन्सिक्यूटिव ले लें, तब भी हो रहा था। तो इसलिए मैंने काम किया कि 1 से लेके नेक्स्ट टाइम जो 3 के डिफरेंस पर एलिमेंट आता है वो 4 आता है, 2 से नेक्स्ट टाइम 5 आता है, और 3 से नेक्स्ट जो आता है वो 6 आता है, फिर मतलब रिपीट होने शुरू हो जाते हैं। तो मैंने इसलिए रोज बना लिए, एक एलिमेंट 1 से शुरू किया, फिर 2 से किया, 3 से किया, अब रिपीट होना शुरू हो गया 4, 5, 6। अब देखो ये एक वेल सेट अपने आप में डिफरेंस हो गया 3 का जो हम चाह रहे थे ऐसे करके। अब उससे पहले मुझे क्या मिला कि मैं चाहे पहली रो में से कोई भी 3 एलिमेंट ले लूं, या दूसरी से कोई भी 3 एलिमेंट ले लूं, या तीसरी से कोई भी 3 एलिमेंट ले लूं, तो वो मेरे को मिल जाएगा, उनका सम जो होगा कंफर्मली, क्योंकि वो 3, 3 के डिफरेंस पर थे, वो 3 से डिविजिबल रहेगा। मैंने यहाँ पर जब फेवरेबल नंबर्स काउंट किए तो फर्स्ट रो में n एलिमेंट्स थे, क्यों थे? क्योंकि टोटल 3 n एलिमेंट्स थे और 3 रोज बनी है, इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमने वहां पर रखे हैं, तो इसका मतलब साफ है कि भाई ईच रो विल कंसिस्ट n एलिमेंट्स। ठीक है, अब ये n एलिमेंट्स हो गए तो n c 3, और क्योंकि 3 रोज है तो 3 केसेस होंगे, 3 इंटू n c 3 हो गया। यहाँ तक समझ में आई बेटा बात? Yes, sir. Good. उसके बाद में ना फिर अब जो कॉन्जिक्यूटिव वाली बात हम बता रहे थे, तो कॉन्जिक्यूटिव वाली बात भी देख लेते हैं। जैसे 1, 2, 3 है, 4, 5, 6 है, 7, 8, 9 है, ये सब चलेगा, लेकिन मैंने देखा कि यार अकेले ऐसे गिनूंगा तो ये एन आ जाएंगे बस मेरे पास, लेकिन ना कुछ और भी पॉसिबल है। मान लो मैं
एक एलिमेंट यहाँ से ले लूँ, एक यहाँ से ले लूँ दूसरे वाले, या एक और आगे से ले लूँ, तब भी वो, क्योंकि वो थ्री के डिफरेंस या थ्री के मल्टीपल के डिफरेंस पर अपीयर हो रहे हैं एलिमेंट। तो इसका मतलब हम कॉन्जिक्यूटिव को थोड़ा वाइडर अप्रोच के साथ लेते हैं। अब ये जो सारी पॉसिबिलिटी इंक्लूड कर रहा है, मैंने एक एलिमेंट यहाँ से लिया, एक यहाँ से लिया और एक यहाँ से लिया, अब वो कॉन्जिक्यूटिव भी हो सकते हैं और डिफरेंस पर भी हो सकते हैं। तो इस काउंटिंग से जो नंबर आएगा वो सारी पॉसिबिलिटीज को इनहेरिट करता है। अब कोई मुझसे पूछे कि भाई क्या हमने 4, 5, 6 लिया हुआ, यस इट इज इन्वॉल्व्ड, क्योंकि आपने कहा है कि एक इसमें से लिया, एक इसमें से, एक इसमें से, तो ऐसा भी तो हो सकता है आपने यहाँ से 4 लिया हो, यहाँ से 5 लिया हो, यहाँ से 6 लिया हो, तो कॉन्जिक्यूटिव भी इससे इन्वॉल्व हो जाता है। अब इसमें कोई भी और मुझे नहीं लगता कि बचा हुआ है। हम कॉन्जिक्यूटिव पर भी आ गए, जो डिफरेंस है 3 है उसके मल्टीपल का वो भी हमने ले लिया, तो फिर तो सारे कवर हो गए, या तो ऐसे लेंगे या इस तरह से लेंगे। तो ये है बेटा, अब ये NC1N होता है, NC1N होता है, ये भी N होता है, तो N क्यूब हो गया। हाँ, तो ये फेवरेबल ना इतने आ गए, इसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं आपको, तो आप सभी जानते हैं। तो फिर हमने बस फेवरेबल अपॉन टोटल ले लिया बेटा, बताओ क्लियर है? कोई कंफ्यूजन है तो मैं वापस समझा सकता हूँ? ठीक है बेटा, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाएंगे। अभी भी हम सिंपल प्रोबेबिलिटी पर और क्वेश्चन लेंगे। जैसे क्वेश्चन इसमें भी हम लोग सेट ले लेते हैं, इस तरह से मान लीजिए 1, 2, 3, 4, 5 और ये हमने 2n+1 तक ले लिया। n बेटा फिर से नेचुरल नंबर है, तो समझते हैं आप कि भाई फर्स्ट जो 2n+1 स्ट्रक्चर होती है वो 3 होती है, फिर 5 होती है, तो या तो यहाँ तक 3 तक एलिमेंट होंगे या 5 तक होंगे या 7 तक, 9 तक, 11 तक, इस तरह से तो ऑड पर वो जाकर स्ट्रक्चर खत्म हो रहा है। अब क्वेश्चन क्या कहता है, सेलेक्ट एनी 3 आर चूजन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट दे आर इन एपी। तो हमें एक प्रोबेबिलिटी पता लगानी है इस बात के लिए कि वो एपी में है। कब? जब मैंने कोई भी 3 नंबर चूज किए। लेट एनी 3 नंबर्स आर चूजन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट दे आर इन एपी। अगर एपी का तो काफी बड़ा स्कोप है अपने आप में, 1, 2, 3 भी एपी में होते हैं, 1, 3, 5 भी एपी में होते हैं, है ना भाई, 2, 4, 6 भी एपी में होगा, और भी बड़ा ले सकता हूँ, 1, 5, 9 भी, है ना, 1, 5, 9 भी होगा। तो इसको काउंट करने का सही मेथड क्या रखूँ मैं? मुझे लगता है पहले मुझे एक वाइबिलिटी पता लगानी चाहिए कि कॉमन डिफरेंस कहाँ से शुरू करके कहाँ तक हो सकता है। मैं समझता हूँ कॉमन डिफरेंस लीस्ट तो 1 होगा जो हमें डेटा दिया हुआ है, और इस पूरे डेटा में मैक्सिमम कॉमन डिफरेंस n रह सकता है, n मतलब एक एलिमेंट 1 हो जाए, एक n+1 हो जाए और एक फिर 2n+1 हो जाए, एग्जॉस्ट हो जाएगी वो कंप्लीट। इसका मतलब कॉमन डिफरेंस की वेरिएबिलिटी से मेरे को बहुत हेल्प मिलने वाली है। अच्छा, इसमें जब हम सॉल्यूशन लिखेंगे तो n(s) जो सैंपल स्पेस के एलिमेंट्स हैं उसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं भाई, वो तो हम लोग सीधे सीधे ऐसे लिख लेंगे 2n+1 सीधे, बात n(e) लाने पर होती है, बस उसी को समझ लेते हैं। तो कॉमन डिफरेंस की जो वाइबिलिटी है वो 1, 2, 3 से लेके n तक जा सकती है। अब बस मुझे ये देखना है कि कॉमन डिफरेंस 1 पे नंबर ऑफ सीरीज कितनी बन सकती है, क्योंकि वही बेसिकली मुझे काउंट भी करना है। अब नंबर्स मेरे पास क्या है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, फिर यहाँ 2n+1 ले लीजिए, 2n ले लीजिए, 2n-1 ले लीजिए, 2n-2, 2n-3, थोड़े लिखने पड़ते हैं इसमें। अभी देखो मैं मिनिमम यदि कॉमन डिफरेंस 1 की बात करता हूँ बेटा, तो मैं 1 से सीरीज शुरू कर सकता हूँ, तो वो 3 पे खत्म हो जाएगी, 2 की सीरीज 4 पे खत्म हो जाएगी। मैं मैक्सिमम सीरीज यहाँ से शुरू कर सकता हूँ 2n-1 से, एकदम अच्छे से समझते रहना। मैं सीरीज 1 से शुरू करके और एंड सीरीज कहाँ से शुरू होगी, 2n-1 से, तो 1 से कितनी सीरीज बनेगी 1 कॉमन डिफरेंस पर, 1, 2 से भी 1, 3 से भी 1, 4 से भी 1, सब नंबरों से एक एक सीरीज बन रही है, और लास्ट की सीरीज बन रही है 2n-1 से, तो आई गेट दिस नंबर क्लियरली।
कि इसका मतलब वन कॉमन डिफरेंस वाली 2n माइनस 1 सीरीज बन जाएंगी. बट आई एग्रीड और नॉट. मैं एक नंबर लेके बता देता हूँ. मान लो मैंने n को 5 ले लिया, तो आप कहोगे 11 तक खत्म हो गया, 11 पर लास्ट हो गया. तो आप 1 से सीरीज शुरू कर सकते थे और मैक्सिमम 9 से शुरू कर सकते थे. तो हर एक नंबर से एक एक सीरीज हो सकती है, तो कितनी सीरीज हो जाएंगी? 9 सीरीज हो जाएंगी ना भाई. 1 2 3 2 3 4 3 4 5 4 5 6 फिर लास्ट में 9 10 11. तो यदि मैं नंबर ऑफ सीरीजेस की बात करूं तो 10 सीरीज 9 सीरीजेस हो गई थी. यहां पे 2n माइनस 1 केस ऑफ n. समझ में आ रहा है बेटा? अब जब मैं टू कॉमन डिफरेंस की बात करता हूँ तो टू कॉमन डिफरेंस पे भी सीरीज तो वन से शुरू कर सकता हूँ. जैसे वन फिर थ्री फिर फाइव. मुझे तीन नंबर सेट करने थे, यहाँ साफ साफ लिखा है. वन थ्री फाइव कर सकता हूँ. अब मैक्सिमम कहाँ से शुरू कर सकता हूँ? यहाँ से 2n माइनस 3, 2n माइनस 1, 2n प्लस 1. तो मैं 1 से शुरू करके 2n माइनस 3 पर लास्ट कर सकता हूँ. तो इसका मतलब टू कॉमन डिफरेंस पर कितनी सीरीज बनेंगी? 2n माइनस 3 सीरीज बनेंगी. समझ रहे हैं आप इस बात को? बोलो बेटा. यस. अच्छा, थ्री कॉमन सीरीज पे अब मान लो मैंने लिखे नहीं यहाँ पर नंबर, लेकिन 2n माइनस 4, 2n माइनस 5 क्लियर इंडिकेशन है. मैं हर बारी सीरीज तो वन से शुरू कर सकता हूँ, लेकिन लास्ट वाली सीरीज कहाँ से शुरू होगी? वही नंबर ऑफ सीरीजेस आपको काउंट करके बताएगी. मान लो आप 2n माइनस 1 से शुरू कर सकते थे लास्ट सीरीज, तो हर एक नंबर को एक एक सीरीज असाइन कर दो और यहाँ तक असाइन कर दो, तो 2n माइनस 1 हो गया. अब बढ़ते बढ़ते जब मैं n कॉमन डिफरेंस पे आ जाऊंगा तो सिर्फ एक ही सीरीज बनेगी बस. आप खुद देखो, जब मैं n कॉमन डिफरेंस पे आ जाऊंगा तो 1 होएगा, अगला नंबर n प्लस 1 होएगा और उससे अगला नंबर 2n प्लस 1 होएगा, खत्म हो गया. अब मैं 2 से शुरू ही नहीं कर सकता, क्योंकि 2 भी होगा, n प्लस 2 भी होगा, लेकिन 2n प्लस 2 नहीं होगा. तो इसलिए ये सीरीज 1 पे एंड हो गई. क्लियर है बेटा बात? यस. अब ये हमें ऐड करना है. ये जो एडिशन होगा यही n ऑफ e होगा, क्योंकि यही नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स है. तो ये तो खुद ही पी में बन गया बेटा. 2n माइनस 1, 2n माइनस 3, 2n माइनस 5 कम होते होते 2 के डिफरेंस पर चलते आ रहा है 1 तक. तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ देख लीजिए, n टर्म्स हैं. तो n अपॉन 2 और इनसाइडर 2n माइनस 1 और प्लस 1. 1 से 1 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 2 से 2 कट कर दीजिए, तो n स्क्वायर. इसका मतलब बेहद साफ है कि हम इन 2n प्लस 1 नंबर्स में से यदि 3 नंबर्स को इस तरह से चूज करना चाहें कि वो AP फॉर्म करें, तो उसके जो फेवरेबल वेज होंगे वो n स्क्वायर होंगे. तो n ऑफ E कम्स एज n स्क्वायर. फाइनली प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट जो हो जाएगी वो हमारे पास क्या हो जाएगी? n स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय 2n प्लस 1 C3. क्या समझ में आई बेटा? Yes. तो अच्छे से इसको देख लीजिए. अब एक आप इसे फैक्ट भी बना सकते हैं इसको लेकर कि भाई जैसे मान लो यहाँ पर 1 से लेके 2n प्लस 1 था तो कितने थे? n. तो इसी का स्क्वायर आप आगे से याद रख सकते हैं. मान लो मैं आगे को आपको कहूँ कि भाई 1 से लेके 31 तक है, तो इसकी सीरीज जो बनेगी वो 15 स्क्वायर बनेगी. मतलब तो हम लोग 15 का मैक्सिमम कॉमन डिफरेंस ले सकते हैं 1 से लेके 31. तो 15 का स्क्वायर जल्दी से अप्रोच मतलब इसको एज ए फॉर्मूले भी आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं जो हमने यहाँ पर लाया है. ठीक है बेटा? यस. इस तरह से और भी हम लोग क्वेश्चन देखेंगे अभी सिंपल प्रोबेबिलिटीज पर ही. नेक्स्ट शीट पर मूव कर रहे हैं. फिर से क्वेश्चन ले रहे हैं. मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं यहां पर लेट 10 डिफरेंट लेटर्स आर अरेंज्ड टू फॉर्म words. 10 different letters are arranged to form words.
डिफरेंट लेटर्स हैं, एन को हम लोग 10 कह रहे हैं। अच्छा अब यहाँ पर अभी एन मतलब क्वेश्चन क्या है, वर्ड चूजन रैंडमली फाइंड द प्रोबेबिलिटी। बेटा इसमें एक एक लाइन और बना दी, रिपीटिशन इज अलाउड, यहाँ थोड़ा सा लिख लेना उसको, रिपीटिशन इज अलाउड। तो लेट 10 डिफरेंट लेटर्स आर अरेंज्ड टू फॉर्म वर्ड्स, रिपीटिशन इज अलाउड, अ वर्ड इज चूजन रैंडमली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट हैज ऑल द लेटर्स। अब आप इसका पहले अच्छे से कॉन्फ़िगरेशन समझिए। मेरे पास अवेलेबिलिटी किसको लेकर है, 10 डिफरेंट लेटर्स को लेकर अवेलेबिलिटी है। अब वो ये कहते हैं आपसे कि भाई हमने इनको अरेंज करके वर्ड बनाया, लेकिन रिपीटेशन अलाउ कर दिया। इसका मतलब रिपीटेशन अलाउ का मतलब यदि आपने एक लेटर को दो बार रिपीट किया होगा तो आपने किसी एक को तो हटाया ही होगा बेटा, है ना भाई। आपको 10 लेटर वर्ड बनाने हैं, जब 10 डिफरेंट लेटर्स आप लेना चाहते हो। वैसे यहाँ रेस्ट्रिक्शन हमें देना चाहिए था, लेकिन चलो मैं बोल के बता रहा हूँ कि 10 लेटर वर्ड आर टू बी फॉर्म्ड ऑलवेज। यदि आपने एक लेटर को टू टाइम रिपीट किया होगा तो दो प्लेस तो वही ले लेना, आप एट और आप आएंगे तो एक एक्सक्लूड कर जाएगा, दो भी कर सकते हैं, तीन भी कर सकते हैं रिपीट, या एक को ही चार बार रिपीट कर सकते हैं, ना एक को ही चार बार रिपीट कर सकते हैं, या एक को 10 बार भी रिपीट कर सकते हैं। कुल मिलाकर बात यह है, ये तो चलो बात हो गई। अब वो कहता है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट हैज ऑल द लेटर्स, अ वर्ड इज चूजन रैंडमली। तो जो सारे वर्ड्स बने होंगे उनमें से उस वर्ड को आपने उठाया जिसमें सारे लेटर्स आ रहे थे। इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि दैट इज फ्रॉम वन ऑफ द लेटर्स वेयर रिपीटेशन इज नॉट परफॉर्म्ड, है कि नहीं ये बात। रिपीटेशन परफॉर्म नहीं किया गया उसमें, सारे लेटर आने का मतलब यही तो हुआ कि कोई एक्सक्लूड ही नहीं हुआ, और कोई एक्सक्लूड नहीं हुआ तो वहां रिपीटेशन नहीं है, yes. है कि नहीं बात। तो एकदम सिंपल सी बात हमारी समझ आ जाती है, एकदम बहुत ही सिंपल प्रॉबर्टी देखो इसकी अकर हो जाती है। यदि मैं आपसे कहूंगा एन ऑफ एस बता दो आप मुझे, तो एन ऑफ एस पे आपका आंसर बताओ बेटा क्या होगा सर, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स जो बनने चाहिए। कितना लिखी नहीं सर हमारी बात, टेन पर 10 लिखोगे ना बेटा, तो यहाँ पे लिखो आपके पास 10 स्पेसेस हैं, 3-5-6, तो मेरे पास 10 डिफरेंट लेटर्स है, तो मैं इसको कितने वेज में फिल कर सकता हूँ, 10 वेज में फिल कर सकता हूँ, दूसरे प्लेस yes, स्पेस में फिल कर सकता हूँ, तीसरे को भी 10 में फिल, यहाँ भी 10, यहाँ भी 10, यहाँ भी 10, जब सब कुछ अलाउड है कि नहीं बेटा, सब कुछ अलाउड है yes. तो ये सब मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा 10। लेकिन दूसरा हमें यहाँ पर स्मार्टनेस दिखानी होगी, वो ये कहता है कि भाई जो वर्ड हमने चूज किया ना उसमें सारे लेटर आ रहे थे, सारे लेटर आ रहे थे, तो दैट वाज वन फ्रॉम द नॉन रिपीटेशन केसेस। अब जब नॉन रिपीटेशन केसेस की बात आती है तो वो टोटल वर्ड्स कितने बन सकते हैं, 3-6 बार वो बन सकते हैं कि जब हमने एक पर 10 लिया हो, दूसरे पर 9 लिया हो। अब समझ गया होंगे मैं क्या लिखने वाला हूँ, तो ये कितना आ जाता है 10 फैक्टोरियल, एन ऑफ ई कितना आएगा बेटा 10 फैक्टोरियल। ये कौन से केसेस हैं, व्हेन रिपीटेशन इज नॉट परफॉर्म्ड, और मुझे इन्हीं में से एक वर्ड चाहिए, इन्हीं में से एक वर्ड चाहिए।
तो ये नंबर ऑफ टेन फैक्टर जो है, इट इज नंबर ऑफ फेवरेबल वर्ड्स टू अस। तो कोई बात ही नहीं बची। बताओ तो आप इस पूरे क्वेश्चन में सही पूछो तो क्या समझ पा रहे हो? यार ये तो पूरा क्वेश्चन प्रायोरिटी का हमने इसको बस नाम दे दिया है, बाकी है किसका? परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का कहोगे ना इस क्वेश्चन को? यस सर। ये हमें कॉम्बिनेटिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग करनी होगी इनके लिए, उसी पर हम लोग धीरे धीरे काम करेंगे। प्रायोरिटी में थोड़ा हम जल्दबाजी में नहीं पढ़ाएंगे, इसको और थोड़ा सा टाइम दे के पढ़ाएंगे। काफ़ी सारे क्वेश्चन इसमें मुझे कराने हैं और रिविजन में वो सारे क्वेश्चन हैं वेक्टर्स के लिए। आपने एक चैप्टर और कल बच्चों ने कहा था मैथमेटिकल रीजनिंग भी कुछ कह रहे थे बच्चे, ये भी हम लोग देख लेंगे। ये अभी आपने पढ़ा है कि नहीं मैथमेटिकल रीजनिंग? या फर्स्ट टाइम पढ़ा था लास्ट में, 11th क्लास में पढ़ा था। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया बेटा सभी को? यस। और एक क्वेश्चन है इसको, अच्छा लीप ईयर और जो सिंपल ईयर होते हैं उसके बारे में आई थी आप अच्छे से जानते हो? लीप ईयर सिंपल ईयर, लीप ईयर में 52 वीक्स प्लस 2 डेज होते हैं, जो 4 से कट जाते हैं वही ऐसे होते हैं। ये 52 वीक्स और वन डे, तो बेटा इसमें 52 वीक्स का मतलब है कि एवरी डे इज कंफर्मली रिपीटेड बाय 52 टाइम्स, लेकिन जो 2 डेज बचे हैं इस पर क्वेश्चन आपको मिल सकता है। वन डे सिंपल डे में कोई दिक्कत नहीं, आप इसको एक क्वेश्चन से समझ लीजिए। तो यहाँ पर 2 डेज बच सकते हैं, उसके 7 कॉम्बो हो सकते हैं, या तो संडे प्लस मंडे होगा, वे होंगे तो कॉन्सिक्यूटिव डेज ना, ऐसे तो होगा नहीं एक मंडे बच गया एक थर्सडे बच गया, बचेंगे तो कॉन्सिक्यूटिव मंडे प्लस ट्यूसडे होगा, या फिर ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे होगा, या वेडनेसडे प्लस थर्सडे होगा, यस सर, या थर्सडे प्लस फ्राइडे होगा मैडम, या फ्राइडे प्लस सैटरडे होगा, या फिर सैटरडे प्लस संडे हो गया, वापस रिपीट हो गया। कितने कॉम्बो आ गए? 7 कॉम्बो। तो इसलिए लीप ईयर में किसी भी डे के 53th होने के 52 तो सब होंगे होंगे, उसकी प्रॉबर्टी तो वन है, लेकिन मान लो मैं आपसे कहने लगूँ कि भाई एक लीप ईयर में 53 मंडे होने की क्या प्रॉबर्टी होगी? वो 2/7 हर एक की, चाहे वो कोई सा भी डे हो, ईच डे हैज इट्स प्रोबेबिलिटी 2/7 टू बी 53rd डे ऑफ, क्योंकि देखो जब 52 वीक हो रहे हैं तो एवरी डे विल बी रिपीटेड बाय 52 टाइम्स, इसमें कोई सोचने की बात ही नहीं है। लेकिन जो 53rd डे बचा वो 2/7 प्रोबेबिलिटीज आ सकता है, क्योंकि 7 कॉम्बो में 2 बार रिपीट हो रहा होगा, जैसे या तो संडे मंडे के साथ आएगा या फिर सैटरडे के साथ आएगा, 2 पॉसिबिलिटी है। और जबकि इसमें जो प्रायोरिटी होती है 53rd डे होने की वो 1/7 होती है बेटा। तो आप थोड़ा सा ना इसे मेमोरी में रखना, बस वो बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है। समझ में आ गया? लीप ईयर में 53rd डे होने की जो प्रायोरिटी है वो 2/7 रहेगी, जबकि सिंपल ईयर में 53rd डे होने की प्रॉबिलिटी 1/7, क्योंकि जो वन डे बचा अब वो तो कुछ भी हो सकता है, अकेले संडे या अकेले मंडे या अकेले ट्यूसडे, इस तरह से। तो इस बात को भी आपको अच्छे से तैयार रखना है। दूसरा बेटा जो इसमें और हमें चीजें कॉम्बिनेटिक्स से उठानी है वो थोड़ा ना ज्योमेट्री के आप लोग ले लेना, ज्योमेट्री पर बेस्ड क्वेश्चंस, क्योंकि प्रॉबर्टी का इसको बहुत ज्यादा पढ़ चुका है,
दो दो क्वेश्चन एडवांस में, तीन तीन क्वेश्चन भी वो लोग दे रहे हैं, तो काफी बड़ा सेगमेंट है अपने आप में प्रॉबिलिटी का। एक क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं। नेक्स्ट पेज पर ही ले लेते हैं बेटा। मान लो एक ऑक्टागन है, लेट एन ऑक्टागन, ट्राइंगल्स आर फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द वर्टिसेस। Let a triangle is selected randomly find the probability that it has no side in common with octagon. So let an octagon, triangles are, let we consider an octagon, triangles are found by joining the vertices. Let a triangle is selected randomly, find the probability that it has no side in common with octagon. आप समझते हैं ऑक्टागन तो क्लियर है? तो बेटा एन ऑफ एस तो हम सबसे पहले लिखते हैं, सैंपल स्पेस में कितने ट्राइंगल बन सकते हैं टोटल, तो ये 8 वर्टिसेस हैं, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, 8 vertices है। और सबसे पहले तो मुझे पता लगा रहा है कि मैं कितने ट्राइंगल टोटल बना सकता हूँ, नॉट अ बिग डील, 8C3, एग्रीड बेटा? हम किन्हीं भी 8 वर्टिसेस में से किन्हीं भी तीन को यदि सेलेक्ट कर लेते हैं तो ट्रायंगल तो बन ही जाएगा ना। यस सर। अब लेकिन मेरे को सर्च किस तरह के ट्रायंगल्स की है, लाइक मतलब किस तरह के ट्रायंगल की है, जैसे मैं बना के दिखाऊं आपको, जैसे ये तो मैंने एक प्रोटोटाइप बना के दिखाया, आई एम लुकिंग फॉर दिस काइंड ऑफ ट्रायंगल, A1, A3, A6, इस टाइप के ट्रायंगल। देखो आप देख रहे हो ना, इस ट्राइंगल की कोई भी साइड कॉमन नहीं है, जबकि ट्राइंगल तो ऐसे भी हो सकते हैं कि मान लो मैं A1, A2, A3 की बात करूं आपसे, तो इस ट्राइंगल के साथ दो साइड कॉमन है, और यदि मैं आपसे बात करूं A1, A2, A5, तो इसके साथ वन साइड कॉमन में है, इसका मतलब मुझे एक्सक्लूड करने पड़ेंगे ना। मैं काम कर लेता हूँ बेटा, सबसे पहले मैं उन ट्राइंगल्स की नंबर ले आता हूँ विच हैज वन साइड इन कॉमन, क्योंकि मुझे तीन टाइप के ट्राइंगल मिले, ट्राइंगल विच हैव वन साइड इन कॉमन विद द गिवन ऑक्टागन, ट्राइंगल विच हैव टू साइड इन कॉमन, और ट्राइंगल विच हैव नो साइड इन कॉमन, आई एम लुकिंग फॉर दैट। लेकिन उन तीनों का नंबर ऐड करके आएगा तो 8C3 ना, क्यों क्या कहते हो? मैं तीनों टाइप के जो ट्राइंगल होंगे वो होंगे तो बेटा 8C3 के बराबर ही ना। यस। तो हम एक काम करते हैं, अपन नंबर ऑफ ट्राइंगल्स हैविंग वन साइड इन कॉमन विद ऑक्टागन। अच्छा, इसको कैसे निकालूं मैं? मैंने देखा कि भाई मान लो मैंने एक साइड ले लिया
ऐसे करके एक साइड ये A1 A2 ले लिया, इसको इसी को मैं कॉमन रखूंगा एक सेकेंड। तो मैं A1 A2 को यदि A3 और A8 को छोड़कर किसी से भी मिलाऊं, जैसे देखना बेटा A1 A2 को मैंने A4 से मिलाया या A5 से मिलाया, A6 से या A7 से, तो मुझे एक साइड कॉमन वाले ट्राइंगल मिलने जा रहे हैं। मतलब एक साइड मेरे को कितने ट्राइंगल दे पा रहा है, 4 ट्राइंगल दे पा रहा है, क्योंकि ये दोनों तो इन्वॉल्व हो ही गए पहले से वर्टेक्स। A3 A8 आप छोड़ रहे हो क्योंकि यू आर लुकिंग फॉर वन साइड इन कॉमन, तो ऐसे मुझे 4 मिलेंगे। लेकिन ये केसेस कितने होंगे, 8 केसेस होंगे, क्योंकि जैसा आपने इस ट्राइंगल इस साइड को लेकर किया वैसा ही आप A2 A3 को भी तो कर सकते हो। तो जैसे इससे हमें 4 मिल रहे हैं, इससे भी 4 मिल रहे होंगे, इससे भी, तो एक काउंटिंग तो मेरे पास ही आ गई। 8 C3 भी हमें लाना पड़ेगा, 8 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, तो 8 7 6 6 56। फिर दूसरे नंबर पर हम चलते हैं, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स हैविंग टू साइड्स इन कॉमन। नंबर ऑफ ट्राइंगल्स हैविंग टू साइड्स इन कॉमन, ठीक है, वो भी हम लोग देख लेते हैं। फिर से बेटा इसी को ले लो, A1 A2। अच्छा बताओ A1 A2 टू साइड इन कॉमन का मतलब है कि कंपल्सरीली अब मैं A1 A2 में से A को A1 को मेरा मतलब है A3 के साथ जॉइन कराऊंगा, लाइक दैट। बेटा प्रोसेस बहुत ध्यान से समझते हैं, लोग साइड बढ़ा भी सकते हैं, वो आपको डेटा रख भी दे सकते हैं, एन साइडेड पॉलीगॉन भी दे सकते हैं, तो इसलिए प्रोसेस को बहुत अच्छे से समझना। आप जो मैंने डार्क किया है इस ट्राइंगल को ध्यान से देखिए, मतलब आई एम लेफ्ट ओनली विद वन चॉइस रिगार्डिंग दिस साइड A1 A2। मुझे कंपल्सरीली यदि मैं राइट साइड ही मूव करूँ तो मुझे A3 के अलग कोई और ऑप्शन नहीं मिलता। इसका मतलब ये वर्टेक्स, अब मैं एक एक वर्टेक्स से गिनूंगा, ये वर्टेक्स मुझे फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक ट्राइंगल दे सकता है बस, जो कि यहाँ मैंने इससे मिलाया और इससे मिलाया, तो इस वर्टेक्स से मुझे एक ट्राइंगल मिला। जरा A2 पर मूव कर जाओ, आप कहोगे पीछे भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसको नहीं जाएंगे क्योंकि हम ऐसे घूम के आएंगे, ऐसे करेंगे। A2 से देखना बेटा, A2 से भी एक ही मिलेगा। जब मैं A2 को ऐसे करके ज्वाइन कराऊंगा A4 और A3 के साथ, है ना, ऐसे करके काउंट करो, आपको काउंटिंग में दिक्कत नहीं आएगी। समझ पा रहे हो बेटा सभी बेटे, A2 से भी एक मिला, फिर A3 से भी एक ही मिलेगा, A4 से भी और A8 से भी एक ही मिलेगा। इसका मतलब एकदम सीधी सीधी बात है, एट हो गए। कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे बताइए। सो एन ऑफ ई क्या जाना चाहिए, एन ऑफ ई आएगा बेटा, जो टोटल ट्राइंगल्स थे वो थे 56, लेकिन जो वन साइड कॉमन वाले थे वो 32 थे, टू साइड कॉमन वाले 8 है, तो ये हमारे पास हो गए 16। अब 16 ट्राइंगल हमें ऐसे मिले जो एक भी साइड कॉमन नहीं रख रहे थे, बस तो कोई देरी नहीं होनी चाहिए। पी बराबर एन ई, क्योंकि यहाँ प्रोबेबिलिटी का रोल तो बहुत कम है, जो अभी हमारा सेगमेंट चल रहा है उसमें कॉम्बिनेटरिक्स का रोल बहुत ज्यादा है। तो 16 और डिवाइडेड बाय 56, ये होगा इसका 2/7। अच्छे से पढ़ लीजिए, कोई मुश्किल आए तो मुझे बताइए। बताओ बेटा समझ में आ रहा है सबको, क्लैरिटी है इसको लेकर बेटा।
आंसर दीजिए। हाँ कोई मुश्किल है तो पूछो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये ऑक्टागन से बढ़ा के एन साइडेड पॉलीगोन भी दे सकते हैं। सो आप उसके लिए क्या करते हैं, NC3 कर लेते हैं। यहाँ पर वन साइड इन कॉमन में आप देखो कि भाई चार छूट रहे थे, तो जैसे यहाँ पर कितने केस, 8 साइड तो 8 ले लिया, 8 × 4 था तो n × n-4 हो जाता, n × n-4 हो जाता। उधर नंबर ऑफ ट्राइंगल्स हैविंग टू साइडेड तो वो n हो जाता, क्योंकि तो एक वर्टेक्स एक दे पा रहा था, तो यहाँ n हो जाता। फिर हम NC3 से n × n-4 + n को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट पेज पर मूव करें। यस सर। हाँ बेटा, ओके एक और क्वेश्चन अभी हम लोग लेना चाहेंगे। यस सर, आगे बढ़ते हैं। एक नंबर फॉर्मिंग का रोल ले लेते हैं। नंबर फॉर्मिंग भी काफी इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, और जैसे 1, 2 और 3 तीन डिजिट मैंने लिए। लेट सेवन डिजिट नंबर्स आर फॉर्म्ड यूजिंग 1, 2 एंड 3। तो रिपीटेशन तो अलाउड होगा ही होगा बेटा, भाई आप तीन डिजिट यूज कर रहे हो और सेवन डिजिट नंबर बता रहे हो, तो वो लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें। अब वो कहना चाहते हैं लेट अ नंबर इज सिलेक्टेड रैंडमली फाइंड द प्रॉपर्टी दैट सम ऑफ डिजिट्स इज 10। मतलब सही पूछो, प्रोबेबिलिटी का तो रोल जैसे कहते हैं ना, बस वो लास्ट में आएगा, बस छोटा सा एक रोल, फेवरेबल अपॉन टोटल। अभी प्रोबेबिलिटी का शुरू नहीं है ये चीजें, तो बस मैं PNC के लिए ही आपको बात मत कर रहा हूँ। तो ये भी क्वेश्चन PNC का ही मानोगे आप, क्योंकि इसमें मुझे सबसे पहले एन और एस लाना पड़ेगा, तो भी कॉम्बिनेटिक्स लगाऊंगा कि भाई तीन डिजिट मेरे पास हैं, जबकि मुझे सेवन डिजिट का नंबर लाना है, तो मेरे पास पहले प्लेस को फिल करने के लिए तीन डिजिट हैं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है इसको कहने में। तो 3 पावर 7, यहां तक आई होप कि आप सब एग्री हो गए। बताओ बेटा। यस सर, क्लियर। अब बात आती है ये वाली। अब मान लो यहां तो मेरे को इतनी वायबिलिटी दी हुई है कि मैं सारे प्लेसेस पर 3 यूज कर लूं, तो जो रिक्वायर्ड नंबर है मतलब वो नहीं बन पाएगा कि भाई सम ऑफ डिजिट्स जो है वो 10 होना चाहिए। हाँ, 7 डिजिट नंबर तो बनेगा ही बनेगा, तो आई एम लुकिंग फॉर दोज नंबर्स नाउ हु सम ऑफ द डिजिट्स इज 10। देखते हैं, अच्छा कुछ कॉम्बिनेशन रन करते हैं। जैसे मान लो मुझे लगता है कि 3 को तो बहुत ज्यादा हम नहीं ले सकते, जैसे कि मैं 3 बार ले लूंगा तो वो 9 को ऑक्यूपाई कर लेगा, तो एक ही एक बचा बस, तो डिजिट्स कम रह जाएंगे, 7 डिजिट चाहिए मेरे को। 3 की फ्रिक्वेंसी बहुत कम होनी चाहिए मैं समझता हूँ। यदि मैं एक बात बताना जरा, यदि मैं 3 को 2 बार ले लूँ तो 6 हो जाएगा सम। अब 4 के लिए 4 को 1-1 भी ले लूंगा तो 6 डिजिट बने, लेकिन सम जो है
छह डिजिट बने केवल, सेवन नहीं बने आई मीन। तो हम तीन को तो बिल्कुल पक्का हो गया, तीन को तो एक ही बार लेना पड़ेगा बेटा, है ना? एग्री कर रहे हो इस बात से? तीन को तो एक ही बार लेना पड़ेगा। अच्छा, दो की जहां तक बात है, मुझे लग रहा है कि यदि मैं दो को एक बार और ले लूँ, एक बार ले लूँ दो को, तो मैं बाकी के वन 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 ले सकता हूँ। देखना कितने डिजिट आ रहे हैं, सेवन डिजिट आने चाहिए और सम भी टेन आ गया। एक पॉसिबिलिटी तो ये मुझे नजर आई। दूसरा, अगर जो मैं इस थ्री में से एक वन निकाल के इसको दे दूं, मतलब टू 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 और बाकी के ऐसे करूं, तो भी मैं समझता हूं मेरी बात पूरी हो रही है। सेवन डिजिट नंबर बनेगा और सम टेन आएगा, जो हम चाहते हैं। और देखना बेटा, मैं कुछ और डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ क्या? यदि इसमें से एक और इसको दिया तो कोई चेंज होगा नहीं। दो को मैं चार बार ले लूंगा तो एट ऑक्यूपाई कर ले, और नहीं होगा बेटा। तीन को मैं बढ़ा तो सकता ही नहीं, कम ही कर सकता हूँ, सो मैंने कम करके देख लिया। तीन को एक बार लेके देख लिया, तीन को एक बार, दो को दो बार लूंगा तो फोर इन थ्री सेवन, और फिर चार प्लेसेस बचे और थ्री डिजिट बचे बस, तो वो भी नहीं हो पाएगा। हो गया बेटा, इतना ही है। अब बस मुझे इसके नंबर ऑफ नंबर्स बता दो। आप ये बताओ कि मेरे पास ये सभी नॉन जीरो नंबर्स हैं, तो मैं किसी को कहीं भी यूज कर सकता हूँ। तो जो डिस्टिंक्ट नंबर्स बनेंगे, यू नो इट वेल, कि ये वो सेवन फैक्टोरियल ओवर फाइव फैक्टोरियल बनने चाहिए, क्या कहते हैं आप लोग? यस सर। तो 42 आ गए जहां तक मैंने कैलकुलेशन की। और यहाँ पर यदि मैं नंबर ऑफ, हाँ, नंबर ऑफ नंबर्स की बात करूँ बेटा, तो ये बताना जरा, यहाँ भी सेवन फैक्टोरियल बाय थ्री फैक्टोरियल इनटू फोर फैक्टोरियल, इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। तो सेवन सिक्स फाइव और सिक्स कैंसिल, 35 मिल गए। तो एन ऑफ ई जो हो गया मेरे पास, वो कितना हो गया? वो हो गया 42 एन प्लस 35, तो 77 हो गया। और क्वालिटी अब आया बताओ उसका, तो क्वेश्चन तो पीएनसी का ही मानोगे ना आप इसका। तो ये एन ऑफ ई डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस, तो ये बेटा हमारे पास हो जाता है 77 ओवर 3 पावर 6। बढ़िया क्वेश्चन, इसे समझ लीजिए अच्छे से। कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताइए। मतलब कुल मिला के जो मैंने 5-6 प्रॉब्लम्स ली आपके सामने, वो यही बताने के लिए ली है कि जो सिंपल प्रॉबर्टी का क्वेश्चन है, वो प्रॉबर्टी कम परमोटेशन कॉम्बिनेशन का ज़्यादा है। इन क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि ये दो चैप्टर्स को कनेक्ट कर देता है, मल्टीपर्पज क्वेश्चन है। तो इस तरह का एक क्वेश्चन आने के चांसेस हमेशा बने रहते हैं। रिमूव कर दूं, समझ में आ गया? नेक्स्ट सीट पर चले हम लोग। यस यस सर। ये अच्छे से देख लेना ना दोनों केसेस कि भाई सेवन डिजिट्स सम टेन, सेवन डिजिट्स सम टेन, ये अच्छा था केस। ओके, वी आर मूविंग टू नेक्स्ट। ये केस में बेटा केसेस जो मैंने देखे हैं, कई बार इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैं इसे एक नोटेबल पॉइंट के फॉर्म में लिख देता हूँ। जैसे पहले मैं एक आपको एक प्रॉब्लम डिस्कस करता हूँ। जैसे मान लीजिए हम अभी कुछ देर पहले सेट थ्योरेटिक अप्रोच की बात कर रहे थे, और उसमें बात कर रहे थे कि भाई जैसे ए यूनियन बी यूनियन सी है, तो उसमें एक एलिमेंट कितने मेथड से एंटर कर सकता है। तो आपने बताया कि सेवन वेज, कैसे पता लगाया? 2 पावर 3 माइनस 1। एक एलिमेंट सेट में होगा या नहीं होगा, दो ही ऑप्शन हो सकते हैं। तो एवरी सेट हैज टू ऑप्शंस फॉर एन एलिमेंट, इसलिए वो 2 की पावर 3 टोटल केसेस बन जाते हैं। मान लो मैं आपसे कहूँ मेरे पास 10 सेट हैं और एक एलिमेंट उन 10 सेट्स में
कितने तरीकों से जा सकता है, तो 2 पावर 10 तरीकों से जा सकता है। यूनियन में बात करूंगा तो भाई जब वो सभी में नहीं होगा तो वो केस सबट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो 2 पावर 10 - 1 हो जाएगा। एक एलिमेंट इंटरसेक्शन बी में सिर्फ एक तरीके से जा सकता है जब वो सब में हो, तो कॉम्प्लीमेंट्री होता है, मतलब 2 पावर n - 1 and 1। यही दो केसेस होते हैं बस, एक यूनियन को लेकर और एक इंटरसेक्शन को लेकर। जो इंटरसेक्शन में होने के केसेस हैं वो यूनियन में ना होने के केसेस हैं, जो यूनियन में होने के केसेस हैं वो इंटरसेक्शन में एलिमेंट के नहीं होने के केसेस हैं। तो ऐसे ही मान लीजिए मेरे पास क्लास में 10 स्टूडेंट्स हैं और मैं आपसे कहूं कि भाई एक प्रॉब्लम मैंने उन 10 स्टूडेंट्स को दिया, कॉमन प्रॉब्लम है, और वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, इस बात की प्रायोरिटी निकालिए। लेकिन यहाँ वो केस नहीं है जो सेट्स के साथ था, क्योंकि तो सेट्स तो बिल्कुल न्यूट्रल थे, उसमें एलिमेंट होगा या नहीं होगा। क्वेश्चन भी ऐसे ही है कि भाई क्वेश्चन या तो कोई बच्चा करेगा या नहीं करेगा, लेकिन सबकी कैपेसिटी अलग अलग हो सकती है। तो यहाँ मैं क्या करूँगा, यहाँ मैं आपको सबकी पॉसिबिलिटीज दूंगा, सबकी प्रॉबिलिटीज दूंगा। मेरा मतलब है कि जो स्टूडेंट वन है उसकी प्रॉबिलिटी कितनी है, दूसरे की इतनी है, तीसरे की इतनी है, टेंथ की इतनी है, सबकी इंडिविजुअल प्रॉबिलिटीज मैं आपको दूंगा। और फिर पूछूंगा कि बताओ भैया क्वेश्चन सॉल्व हो गया इस बात की प्रॉबिलिटी नहीं। तो इसको भी मुझे कॉम्प्लीमेंट्री केस से करना चाहिए। कोई भी पॉसिबिलिटी 100% होती है, दैट मींस कोई भी प्रॉबिलिटी 1 होती है, तो क्यों ना हम उसमें से वो वाला केस सॉल्व हटा दें, रिमूव कर दें, एक्सक्लूड कर दें, जब वो क्वेश्चन किसी से भी सॉल्व नहीं होता। किसी से भी सॉल्व नहीं होता ये भी इंडिपेंडेंट है, सबसे सॉल्व हो जाता है ये भी इंडिपेंडेंट है, सब अलग अलग बैठ के कर रहे हैं अपना अपना क्वेश्चन, मैं तुम्हारा नहीं देख रहा, तुम मेरा नहीं देख रहे। तो इसका मतलब एक केस हम लोग डिस्कस करें कि जो हमने 10 वाला किया, हमें पहले वाले की क्वेश्चन सॉल्व ना करने की प्रायोरिटी, दूसरे वाले की भी ना करने की प्रायोरिटी, थर्ड की भी ना करने की प्रायोरिटी, और लेट 10th तक मैं आप चला जाऊं इस तरह से कि 10th तक भी ना करने की प्रायोरिटी पर चला जाऊं, और फिर उनको मल्टीप्लाई कर दो। तो ये वो प्रायोरिटी आएगी जब वो क्वेश्चन कंप्लीटली सॉल्व नहीं हुआ, किसी से भी सॉल्व नहीं हुआ, नॉट अ सिंगल। अब यदि किसी से भी सॉल्व नहीं हुआ और उसकी प्रायोरिटी तुमने मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व निकाल ली है, पता लगा ली है, उसी प्रोडक्ट को यदि मैं 1 से सबट्रैक्ट कर दूं, तो सारे केसेस अराइज हो गए कि भाई या तो किसी एक ने किया होगा, दो ने किया होगा, तीन ने किया होगा, या फिर 10 के 10 ने कर दिया होगा ऐसे। तो आगे से एक केस को आप एज ए फॉर्मूला भी लिख सकते हैं कि लेट a task can be performed by n entities with their probabilities p1, p2, pn can be completed, लिखना चाहिए था, it can be done लिख सकते हैं, probabilities respectively, वो जो n entities हैं हमारे पास, उनके लिए respective probabilities p1, p2, p3 से लेके pn है, then टास्क नीड बी कंप्लीटेड इतना बड़ा वर्ल्ड है और 1 लाख ऊपर नॉलेज की प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस कैन बी गिवन बाय पहले मैं क्या करूंगा, पहले वाला आदमी काम नहीं कर रहा है 1 - p, दूसरे वाला नहीं कर रहा है, थर्ड भी नहीं कर रहा है, और 1 - p
ये बिल्कुल भी काम नहीं हुआ, इस बात की पावटी है। अब इसी प्रोडक्ट को यानी मैं वन में से सब्ट्रैक्ट कर लूं तो बेटा इसमें सारे केसेस अराइज होते हैं, मतलब यदि देखा जाए तो टू पावर एन माइनस वन केसेस होंगे इसमें बेटा। कितने केसेस होंगे? टू पावर एन माइनस वन, क्योंकि बात तो वही है, होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा, तो इसमें कितने लोगों ने कर लिया होगा सब पता चल जाएगा। एक बस केस हमने हटा दिया कि भाई सबने नहीं किया, तो इस फॉर्मूले को आप अच्छे से तैयार करें। ये बहुत वाइड फॉर्मूला है अपने आप में, इसको बड़े अप्रोच के साथ तैयार करें। कोई मुश्किल तो नहीं बेटा, समझ में आ रहा है? बोलिए सर। यस उसके बाद जैसे सिंपल पॉलिटी में और हम लोग क्या कर रहे हैं, सेट थ्योरी का कुछ भी हो गया, एक सेट थ्योरी के भी क्वेश्चन लेके लेते हैं। इस पर मैं कोई क्वेश्चन नहीं ले रहा, ये बहुत ही सिंपल है, आप समझ गए होंगे इसको अच्छे से। तो बुक में से इतना क्वेश्चन देख लेते हैं आप। फिर हम लोग कंडीशनल पॉलिटी पे मूव कर जाएंगे। जैसे देखना एक क्वेश्चन है, पी ऑफ A union B dash is equals to 1 upon 6. P of A intersection B is equals to 1 upon 4. P of A dash 1 upon 4. तो वो इवेंट्स ए और बी के बारे में हमसे पूछ रहे हैं, जैसे कि ऑप्शन उन्होंने दिए, मैं आपको बोल के बताता हूँ। इक्वली लाइकली एंड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, इक्वली लाइकली बट नॉट इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट बट नॉट इक्वली लाइकली, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड इंडिपेंडेंट। लाइक मतलब हमें इस तरह से इसको एक्सप्लोर करना है कि ए और बी की नेचर क्या निकल के आती है। तो बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आप देखेंगे इसको। P of A dash is equals to 1 upon 4 है, तो मैं P of A approach कर लूँ बेटा, 3 by 4 आ जाएगा ना, agree कर रहे हैं आप इससे? Yes। इधर हम लोग P of A union B ला सकते हैं, ये भी 5 upon 6 आ जाएगा। अब मेरे पास A union B है, A intersection B है, A है, तो P भी तो बहुत ही तो आसान निकला है, तो ये हम लोग ऐसे करके ला सकते हैं, P of A P of B minus P of A intersection B. अब A union B 5 upon 6, P of A 3 upon 4, P of B मेरे को लाना है, और ये 1 upon 4 हो गया। तो 3 upon 4 minus 1 upon 4, 2 upon 4, 1 upon 2, कुल मिला के यदि हम देखें तो PB की जो वैल्यू है वो 5 अपॉन 6 और माइनस 1 अपॉन 2 लिख रहा हूँ बेटा, तो 3 2 अपॉन 6 मतलब 1 अपॉन 3। तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन निकला हमारे पास, P of A और P of B अलग अलग है, तो सर्टेनली दे आर नॉट इक्वली लाइकली, एक तो ये ऑप्शन क्लियर हो गया, इक्वली लाइकली नहीं है। उसके बाद म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो बिल्कुल भी नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि ए इंटरसेक्शन भी नॉन जीरो वैल्यू है, जबकि हमने आपको जो लिखवाया था म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो कहा था कि ए इंटरसेक्शन भी फाइव होना चाहिए, और जब ए इंटरसेक्शन भी फाइव होगा तो फिर उसकी प्रॉपर्टी तो जीरो होनी चाहिए थी भाई, जब उसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो फेवरेबल एलिमेंट ही नहीं है, तो फिर प्रॉपर्टी नॉन जीरो कैसे हो जाएगी? तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का ऑप्शन भी खत्म हो जाता है, कोई लाइकली भी खत्म हो जाता है। अब इन्होंने इंडिपेंडेंट का ऑप्शन दे रखा है, उसमें कुछ ऐसा था कि पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को हम लोग लाते थे, जैसे वो 1 अपॉन 4 है, लाना नहीं है वो भाई,
और एक तरफ हम लोग लाते थे पीए इंटू पीबी, ये बता दो आप। तो ये 3/4 इंटू 1/3, तो ये 1/4 हो जाएगा। अब पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी 1/4 है, जबकि पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी भी 1/4 है, बेटा क्या होगा आपका आंसर बताइए? क्या ये इंडिपेंडेंट है? बिल्कुल है, इंडिपेंडेंट है और इक्वली लाइकली नहीं है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा इक्वली लाइकली बट सॉरी इंडिपेंडेंट बट नॉट इक्वली लाइकली। समझ में आ गया आपको क्वेश्चन सभी का बेटा? इस तरह से तो ये सिंपल प्रॉबर्टी पर क्वेश्चन है, इंडिपेंडेंट पर हमें क्वेश्चन सॉल्व। लेकिन हम लोग पहले इंट्रोड्यूस कर रहे हैं बेटा कंडीशनल प्रॉबर्टी। सिंपल प्रॉबर्टी पर क्वेश्चन आप करते रहिए, और मैंने पहले भी कहा है वेक्टर्स थ्री डी में भी करते रहिए, कोई क्वेश्चन नहीं होता है तो आप मुझे अलग से व्हाट्सएप नंबर ही मैंने पिछली बार दिया था भेज सकते हैं, मैं क्लास में फिर आपसे डिस्कस कर लूँगा, या मुझे समय तो करना ही होता लेकिन मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ किसी भी फॉर्मेट में, ठीक है? यस सर। तो हम लोग नेक्स्ट पेज पर मूव कर रहे हैं बेटा, और कंडीशनल प्रॉबर्टी को थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करते हैं। बेहद इंपॉर्टेंट कंफर्म क्वेश्चन, 110% क्वेश्चन उसमें से आएगा। एडवांस में मेंस में, मेंस में तो एक ही क्वेश्चन आता है, अब वो कई बार सिंपल से रख देते हैं, कई बार इंडिपेंडेंट से, या डिस्ट्रीब्यूशन भी आ जाता है बाइनोमियल या पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। अब तो खैर पॉइसन हटा दिया है, लेकिन एडवांस में कंडीशनल का कंफर्म है, ठीक है ना? यस सर। कंडीशनल प्रॉबर्टी, कंडीशनल प्रॉबर्टी तो नाम से ही कुछ पता चल रहा है कि भाई इसमें कंडीशन के थ्रू हमें चीजें समझाई जाएगी। मतलब अभी तक तो सिंपल एक वर्क हम लोग कर रहे थे और उसकी पॉसिबिलिटी चेक कर रहे थे, लेकिन यहाँ कुछ कॉन्जिक्यूटिव वर्क होंगे एक तरह से, भाई एक काम उसी के बेसिस पे दूसरा भी वर्क, कंडीशनल, इसी को कंडीशन कहते हैं। मतलब मैं पहले इसकी ट्रिम्बल बनाने की कोशिश करता हूँ आपके सामने। जैसे मान लो मैं आपसे कहूँ कि मैंने एक पेयर ऑफ डाइस को रोल किया और मैंने आपको रिपोर्ट किया कि ये एक डबलेट आया है, ठीक है? तो मैंने आपको रिपोर्ट कर दिया, मैंने पेयर ऑफ डाइस को रोल किया था और रिपोर्ट किया कि भाई ये एक डबलेट आया है, ठीक है? एक काम तो ये हो गया। अब आपने कहा कि ओके, अब मुझे इस बात की प्रॉबर्टी बताओ कि इस डबलेट में जो एलिमेंट है वो एक प्राइम नंबर है। मतलब आपने कंसेक्यूटिव वर्क पूछ लिया, एक काम पहले अकर हो गया था, फिर उसके बेसिस पे आपने एक और टास्क के लिए प्रॉबर्टी पूछ ली, और एक आपके सामने एग्जांपल डिस्क्राइब करता हूँ। आपने मुझे प्लेइंग कार्ड्स का पैक दिया और कहा कि एक कार्ड निकाल के बताओ, इसका कलर बताइए, ठीक है? हमने एक कार्ड निकाला और आपको रिपोर्ट किया कि भाई ये एक ब्लैक कलर का कार्ड आया है। आपने पूछा कि ठीक है ब्लैक कलर का कार्ड है, फाइंड द क्वालिटी कि इट इज अ क्वीन या इट इज अ किंग या इट इज अ नंबर्ड कार्ड, कोई भी आप पॉसिबिलिटी में देख सकते। मतलब एक वर्क होने के बाद जब हम किसी दूसरी इवेंट की क्वालिटी उसके बेसिस पे बनाते हैं तो इसको कंडीशनल कहते हैं। और एक वर्क बताता हूँ, और एक अगर एग्जांपल देता हूँ, जितने ज्यादा एग्जांपल आपके माइंड में घूमेंगे आपको लिखने में उतनी आसानी होगी। मान लीजिए तीन लोग हैं एक टारगेट पर हिट कर रहे हैं, कॉमन से क्वेश्चन है आपने सुने भी होंगे, जब एक टारगेट पर हिट कर रहे हैं, टारगेट हिट हो गया उसकी प्रॉबर्टी आप लाओगे, फिर कहोगे कि इट वाज हिट बाय फर्स्ट पर्सन, इस तरह की प्रॉबर्टी। मतलब कुल मिला के ये है, यहीं से फिर बेज ने भी अपना बनाया था
टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, बेस थ्योरम, ये सारी चीजें बेस ने फिर आगे बनाई और बेस बहुत ही आगे तक गए। हायर एजुकेशन में जैसे हमने पढ़ी है बेस की थ्योरम, जो 12th लेवल पर है वो बहुत ही बेसिक थ्योरम है, सबसे पहली थ्योरम थी उनकी, लेकिन उन्होंने आगे बेस ने बहुत काम किया है इसमें और मतलब बहुत ही नोटेबल वर्क है उनका बेस का। और बोल्स एक दूसरे मैथमेटिशियन थे, बोल्स BOLE, दोनों बी से थे, अच्छे काम किए। अब तो मैं इसको फिर डिफाइन कैसे करूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अक्रेंस ऑफ एन इवेंट बी व्हेन एन इवेंट ए हैज ऑलरेडी अकर्ड इज कॉल्ड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अगेंस्ट ए। एकदम सिंपल और नपे तुले वर्ड्स में, प्रोबेबिलिटी ऑफ अक्रेंस ऑफ एन इवेंट बी व्हेन एन इवेंट ए हैज ऑलरेडी अकर्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ अक्रेंस ऑफ एन इवेंट बी व्हेन एन इवेंट ए हैज ऑलरेडी अकर्ड इज कॉल्ड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अगेंस्ट ए एंड इज रिटन एज पी ऑफ बी ऑफ लिखे। मतलब इसमें जो नीचे दिया हुआ है इट हैज ऑलरेडी अकर्ड और उसके कंजुगेशन में हमने बी को भी अकर कराना है, तो जो ऑलरेडी अकर हो चुका ना इट विल वर्क लाइक इट्स सैंपल स्पेस। भाई जो अब यूं समझो कि इससे आगे कह रहे थे ना कि भाई एक ब्लैक कलर का कार्ड निकला है, बताओ कि ये किंग होगा, तो ब्लैक कलर इसके लिए किसका काम करेगा, सैंपल स्पेस का काम करेगा। या हमने कहा था कि भाई एक डबलेट निकला है तो डबलेट की प्रॉपर्टी इसके लिए सैंपल स्पेस का काम करेगी, फिर उसमें से टारगेट हिट हो गया वो एक सैंपल स्पेस की तरह काम करेगा और उसमें से जो आप चाहते हो वो जो इसमें भी होगा और जो आपने यहाँ पे बोला हुआ है वो उसमें भी होगा। तो इसका मतलब मैं साइमल्टेनियस करा दूं ना ऐसे करके पी बी इंटरसेक्शन ए, मतलब पहले आपने ए को अकर कराया और फिर ए को अकर कराने के बाद में आपने कहा कि उसमें बी भी होना चाहिए, तो ये होता है, ये फॉर्मूला होगा कंडीशन। बहुत अच्छे से क्लियर कर लो, P of B upon A, ये इसका नोटेशन है। तो यहाँ तो कंडीशनल प्रॉपर्टी ऑफ B अगेंस्ट A है, यदि मैं A upon B करूँगा तो आप समझ के वो क्या बोलोगे, कंडीशनल प्रॉपर्टी ऑफ A अगेंस्ट B हो जाएगा और उसको हम लोग P of B इंटरसेक्शन A over P of A कहेंगे। कोई डाउट? अगर जो बेटा मैं इसमें एक फॉर्मूला और बनाना चाहूँ P of B dash over A, तो ये भी आप बना सकते हो P of B dash intersection A, तो P of B dash A, अभी हमने कुछ समझाया था आपको याद होगा कि हम इसको P of A माइनस P of A intersection B लिखेंगे divided by P of A, तो P of B dash over A is equals to 1 minus P of A intersection B over PA, 1 minus P of B upon A। तो आप यहाँ भी देख रहे होंगे कि ये रूल यहाँ भी अच्छे से फॉलो होता है, B dash upon A plus P of B upon A is equals to A. समझ में आ गई बेटा बात?
Yes. Probability of occurrence of an event B when an event A has already occurred is called conditional probability of B against A, and is written as P of B. ठीक है? यार handwriting यार आज बहुत खराब आ गया. ये हमें अच्छे से समझना होगा. अच्छा, अगर जो हम यहाँ पर एक और केस डिस्कस करें जिसे पी ऑफ एस अपॉन ए, तो वो ना एस एक फिक्स नोटेशन है बेटा. और क्या नोटेशन है आप जानते हैं, वो सैंपल स्पेस है. तो सैंपल स्पेस इंटरसेक्शन ए तो पी ऑफ ए ही होगा, तो वन होता है. तो इसका मतलब आप यदि किसी इवेंट को अगर कराने के बाद एक जनरल कंडीशन दे देंगे तो होगी होगी. तो ये एसर्शन रीजन में कहीं आ जाए इसलिए मैंने आपको लिखवाया है, बाकी तो ऐसा कुछ नहीं. ये अलग से आएगा ना ही, इसका कोई बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है. तो हम लोग कंडीशनल प्रॉबर्टी पर एक दो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. नेक्स्ट पेज पर मूव कर रहे हैं, समझिए. जैसे हमने अभी सबसे पहले क्वेश्चन का जो डिस्क्रिप्शन दिया था उसी को सॉल्व करते हैं. लेट अ पेयर ऑफ फेयर डाइस इज रोल्ड अ डबलेट occurs, find probability that a prime number is an element of doublet. हम अच्छे से जानते हैं doublet क्या होते हैं. देखो, जब आप सब्जेक्टिव, मैं इसे बेटा थोड़ा सा बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कर रहा हूँ. सब्जेक्टिव यदि पेपर होता है, सब्जेक्टिव में आप जाते हो तो एग्जामिनर की नजर इस बात पर रहती है कि आपने इवेंट कौन सी ली है और इवेंट को डिफाइन कैसे किया है. तो सबसे पहले हमें इवेंट्स के नाम लिखने चाहिए, लेट ए एंड बी बी टू इवेंट्स. फिर हमें यहाँ पर डिस्क्रिप्शन भी लिखना चाहिए. ए क्या है? डबलेट अकर्स. बी क्या है? अ प्राइम नंबर. देखो ध्यान से इस इन वर्डिंग्स को ध्यान से देखना. अ प्राइम एलिमेंट अकर्स इन डबलेट, मतलब हमें ऊपर जो हमने माना है ना उसको इसमें इन्वॉल्व जरूर करना चाहिए. हम बी ऑब्लिक ए नहीं लिख सकते यहाँ पर, बट इस लैंग्वेज से क्लियर हो गया कि हाँ हमने नई कंडीशन प्राइम की लगाई है जबकि पुरानी कंडीशन वही है. डबलेट के कॉन्जिक्यूशन में प्राइम नंबर की बात करना जा रहे हैं. तो फिर हमें अलग अलग प्रॉबर्टी भी लानी पड़ेगी. पहले हमें एन ऑफ एस लिखना चाहिए, वो तो बिल्कुल एकदम पक्का वाला है, 36, सोचने की बात ही नहीं है. अब हम पी ऑफ ए की बात करते हैं. पी ऑफ ए के लिए एन ऑफ ए भी चाहिए. एन ऑफ ए 6 होगा, डबलेट 6 लिखवाए थे मैंने, तो 6/36 इज इक्वल्स टू 1/6. अब मुझे पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी लाना है, या यूं कहिए बी इंटरसेक्शन ए लाना है, बात एक ही है. लेकिन मुझे पहले ए इंटरसेक्शन बी में कितने एलिमेंट होंगे ये बात भी समझनी पड़ेगी. मुझे ऐसे डबलेट बताइए जिसमें दोनों कंडीशन फुलफिल होती हैं, मतलब वो डबलेट तो होना ही चाहिए बट वो प्राइम नंबर वाला होना चाहिए. तो 2-2 वाला होगा. एम आई राइट? एक 3-3 वाला होगा और एक 5-5 वाला होगा. तो कितने एलिमेंट्स आए बेटा? पी. तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना हो जाएगा? 3/36. और ये कितना हो जाएगा? 1/12. अब हम बात करेंगे जो हमारे बी अपॉन ए, जो कि पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ओवर पी ए के बराबर है. पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 1/12 है, पी ऑफ ए 1/6 है,
सिक्स अपॉन ट्वेल्व है और ये हमें मैं बेटा क्वेश्चन बोलो बेटा इसे पढ़ो और मुझे बताओ समझ में आ गया बेटा बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करें क्या हम लोग Yes, sir. Okay. एक और क्वेश्चन देख लेते हैं थोड़ा रिजेंबल सा ही ले लेते हैं ऐसा ही क्वेश्चन ले लेते हैं फिर से हमने कहा कि लेट अ पेयर ऑफ फेयर डाइस इज रॉल्ड लेट सम ऑफ नंबर्स is reported 8. Find conditional probability that number three has appeared at least once. At least once. Let a pair of fair dice is rolled. Let sum of numbers is reported 8. Find conditional probability that number 3 has appeared at least once. N of S, no problem. Again 36. A, sum is 8. N of A, beta, मैंने थोड़ा सा आपको बताया था, समझाया था, अभी अभी थोड़ी देर पहले, 5 होगा. 7 most frequent sum होता है, 7 का 6 time होता है. 7 से जितनी डिस्टेंस पर आप आगे बढ़ते रहोगे उतना ही एक एक कम होता रहेगा तो यदि 7 का 6 था तो 8 का 5 उसको ना ध्यान से समझना बात को ये आपको थोड़ा टाइम सेव करेगा आपका आप 7 से जितनी डिस्टेंस पर पीछे जाओगे आगे जाओगे तो उसकी फ्रीक्वेंसी जो 6 थी उसमें से उतना ही डिफरेंस आप कम कर सकते हो जैसे आप 7 से 8 1 डिफरेंस पर आगे बढ़े तो 6 से कम आ जाओगे तो हमें जल्दी से समझ में आ जाएगा अब हम लोग क्या कर सकते हैं पी ऑफ ए पर देखो कितनी जल्दी से पहुंच गए 5/36 ये हो गया 5/36 अब वो ये कहता है कि find conditional probability that number 3 has appeared at least once तो मुझे बताओ मैं यहाँ पर कौन कौन से एलिमेंट लिखूं अगर देखा जाए तो यदि मैं बी को डिस्क्राइब करूं वो होगा सम इज 8 बट थ्री इज अपीयर तो
दो बार तो थ्री हो नहीं सकता बेटा, दो बार थ्री लगाओगे तो वो तो सिक्स हो जाएगा सर, लेकिन सम एट भी होना जरूरी, क्योंकि इसी के कॉन्जुगेशन में तो पूछ रहा है, एट तो रिपोर्ट हमने कर ही दिया, उसके साथ थ्री की अपीयरेंस एटलीस्ट वंस होनी चाहिए। तो ऐसे तो बस दो ही एलिमेंट होते हैं जहाँ तक मुझे, थ्री फाइव फाइव थ्री, तो इसका मतलब एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना होगा, yes, sir. है ना बेटा? तो वॉइस क्लियर नहीं आई मुझे अभी। यस। तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आप बोलो, और बता दो मुझे कितना हो जाएगा, 2/36। अब वो हमसे क्या मांग रहे थे कि पी ऑफ बी अपॉन ए बता दीजिए, तो पी ऑफ ए एंड पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 2/36 डिवाइडेड बाय दिस, ये तो यहां पर हम लोग उसको इस तरह से क्लैरिटी से समझा सकते हैं। एकदम क्लियर क्वेश्चन है। कोई कंफ्यूजन तो नहीं इस क्वेश्चन में? एनसीईआरटी में भी कई सारे क्वेश्चंस हैं, पहली और दूसरी जो एक्सरसाइजेस हैं उसमें कंडीशन क्वालिटी के ही क्वेश्चंस हैं, आपकी बुक में भी कंडीशन क्वालिटी के क्वेश्चन हैं जो स्टडी मटेरियल दिया गया है, तो इन पर आप कर सकते हैं अच्छे से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक वो जो मैंने ब्लैक कार्ड वाला बताया था उसे और कर लेते हैं तो क्वेश्चन को लास्ट, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। लेट अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल सफल्ड pack of cards. It is reported that it is black find the probability that it is तो शॉर्ट में हम इस क्वेश्चन को करें तो आप बस मुझे बेटा इसका बहुत जल्दी से ये बता दीजिए क्या होगा। P of A के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, P of A के लिए हम कर सकते हैं ब्लैक कार्ड तो किस में से आएगा 26/52। अब वो ब्लैक होने के साथ एक एस भी है तो वो कितना हो जाएगा बेटा 2/52। देखो मैं बार बार इसको एम्फेसिस कर रहा हूं, जैसे P of B इंटरसेक्शन A, तो B इंटरसेक्शन A में वो ब्लैक होने के साथ साथ एस होना चाहिए, तो ब्लैक एस होते कितने हैं, टू होते हैं, तो वो टू फेवरेबल हो गए हमारे लिए, 2/52 डिवाइडेड बाय 26 को, तो इसका आंसर आ जाएगा तो 1/30। बताओ बेटा क्लैरिटी है इसको,
समझ आ रही है बातें अच्छे से? अब हम लोग बेटा नेक्स्ट जो करेंगे, नेक्स्ट शेड्यूल में करेंगे, आई मीन बाकी का पार्ट प्रॉबिलिटी का, होपफुली हम लोग नेक्स्ट शेड्यूल में कंप्लीट कर लेंगे प्रॉबिलिटी को, यस सर, ठीक है ना? और मैं आप सभी से कहूँगा कि क्वेश्चंस करते रहिए, और अब आप ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ज़्यादा सॉल्व करिए। मैं आप देखिए 2021 में जो पेपर्स हुए वो फोर से मतलब फोर ओकेजन्स पर, और टू फोर जिस मतलब एक बार में 8 पेपर हुए थे, मतलब फोर डेट्स थे शायद, हाँ तो 32 पेपर्स तो हैं ही है, उन्हें आप नेट से निकाल लो और उन्हें सॉल्व कीजिए, क्योंकि अब तो ऑलमोस्ट आपका सिलेबस कंप्लीट है ही है, और उसमें से फिर अपनी जो स्ट्रॉन्ग होल्ड हैं उन्हें भी आप आइडेंटिफाई करो, जो वीक फील्ड हैं उन्हें भी आप आइडेंटिफाई करो, और रिवीजन में हम लोग जो थोड़े वीक फील्ड हैं, जो टॉपिक आपको फिर से ऐसा लगता है कि हम एक बार पढ़ने की नीड है, तो हम लोग उन्हीं को अच्छे लेवल पर, बेसिक लेवल पर उन्हें पढ़ेंगे, उनमें क्या कमी आती है, ठीक है ना बेटा? तो यस सर, आज की क्लास हम यहीं पर एंड कर रहे हैं, और बेटा और बाकी सभी बच्चों से भी देखो मेरा कहना है कि वो सभी रेस्पॉन्ड भी करें, जिससे देखो टीचर की फीड जो होती है वो रेस्पॉन्स फ्रॉम द स्टूडेंट्स होता है, तो हमें उससे बड़ी एनर्जी मिलती है जब आप लोग रेस्पॉन्ड करते हैं, ठीक है? ओके बेटा, गुड डे, गुड नाइट, थैंक यू सर।